आज ऐसी गाड़ी देखने वाले हैं भाई, मारुति ने पहले कभी नहीं बनाई ऐसी गाड़ी। मैं बात कर रहा हूँ फीचर्स के मामले में। जैसा आप ये दिख रहा है ना, ये मारुति गाड़ी से ही बंदा खड़ा हुआ है। अभी नाम क्या इस गाड़ी का वो आप आगे देखोगे, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि मारुति ने आज से पहले कभी इंडिया में सनरूफ नहीं दिया है। हेलो भाई, मंगलवार यहाँ पे देखिए, दो शेड अभी लाल रंग के खड़े हुए हैं जो मारुति सुजुकी की तरफ से आते हैं। मतलब जब ये गाड़ियों को ले जाते हैं ऐसे पलटा देते हैं, पेंट के ड्राम भरे रहते हैं, तो ये ऐसा नए नए कलर निकल के आते हैं। पहले ऐसा ही करता था इनकी अल्टो में, फिर ऐसा आने लग गया सलेरियो में। अभी जो तीसरा नया रंग मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो केवल आपको मिलेगा भाई मारुति की ब्रेजा में। हाँ जी, आपके सामने आज पेश है न्यू मारुति ब्रेजा, ऑल न्यू टेकी होटी जो मारुति इसको बुला रही है भाई। अब इन्होंने ना फीचर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं, काफ़ी लुक्स इसकी इनहेंस कर दिए हैं। और जो मेरा फेवरेट पार्ट बना है ना इस गाड़ी के बारे में, वो भाई साइड से लुक्स। मतलब आज मैं पहली बार इस गाड़ी को देख रहा हूँ जो मतलब साइड से लुक है ना, जो पुरानी वाली ब्रेजा आया करती थी और इस वाली को आप देखते हो तो ऐसे लगता है कि अगर वो इसको नई सी गाड़ी भी लॉन्च करते ना तो वो अलग अलग सी कुछ लगती। मतलब इस तरीके की लुक्स आ रही है भाई निकल के। जो क्वार्टर पैनल उन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश में कराया ना, ये मेन इसको लुक दे रहा है। प्लस इसके बाद जो पीछे से लुक निकल के आ रही है ना भाई, ये वही है 14-15 लाख रुपए में अगर रेंज रोवर टाइप से लुक चाहिए ना, इस तरीके से ब्रेजा इन्होंने लिख दिया है। और यहाँ पे सबसे खास बात एक और मैं आपको बता दूँ, देखो पहली जो ब्रेजा आया करती थी 2016 से जो इंडियन मार्केट में बिक्री थी, 5 साल उस गाड़ी ने रूल करा है भाई। सब पे ना पहले विटारा लिख के आता था, सब लोग उसको विटारा ब्रेजा के नाम से जानते थे, लेकिन अब यहाँ से विटारा डिलीट हो चुका है, केवल अब ये बनी है आपकी ब्रेजा। ये आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका टॉप वेरिएंट। मतलब अगर आपके पास है एक्सशोरूम 12,30,000 रुपए सिंगल टोन कलर के लिए, और अगर आप डुअल टोन इसका लेना चाहोगे तो आपको 12,46,000 रुपए एक्सशोरूम देने पड़ेंगे। ऑन रोड की बात कर लेते, इतना घुमाना फिराना क्या भाई, जितना आपको देना है आपको देना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए 14,30,000 रुपए के लगभग, अगर ये आपको अपनी बनानी है तो। अभी देखो जब मैं फोटो वीडियोस में देख रहा हूँ ना, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव में बता दूँ, मेरे को लग रही थी अरे क्या एस्प्रेसो सी लग रही है, मतलब मेरे को तो आगे से एस्प्रेसो टाइप सी लुक दे दी, लेकिन नहीं भाई वो फोटो वीडियोस तक ही सीमित है। अगर रियल लाइफ में इसको देख रहे हैं ना तो एकदम से भाई नई फ्रेश एकदम ब्रेजा सी नज़र आ रही है, मस्कुलर सी लग रही है। हालांकि अभी भी मेरे को कंप्लेंट है कि भाई इसका फ्रंट है ना जो और बेटर हो सकता था। मतलब इतना मारुति ने ऐसा बस केवल 2 क्रोम दिए ना, इसको और थोड़ा बेटर किया जा सकता था। खैर इसकी बात छोड़ते हैं भाई, आपको क्या क्या मिलेगा सबसे पहले की देखिए। एरेना जब आप लेते हो ना तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर की यहाँ पे स्किन देखने के लिए मिलती है। वैसे तो पूरी ऑल ब्लैक आती है अगर आप नेक्सा में जाते हो, यहाँ पे 2 बटन है केवल, लॉक अनलॉक के आपको बटन मिलते हैं, आउट ऑफ होल्ड आपके मिरर्स आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए भाई इस तरीके की DRL मिलेंगी अब आपको, नई तरीके की। ये देखिए थोड़ा सा मारुति का से काम लगता नहीं है क्योंकि इतने डिजाइनिंग इतनी इनोवेशन सी यार मस्त लग रही है गाड़ी में। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं भाई इसकी LED लाइट्स, डुअल प्रोजेक्टर्स के साथ लो हाई आपको अलग अलग मिलता है। मतलब मारुति की लाइट्स ना भयंकर होती है। मतलब मैं पहले बलेन ऑन करता तो मेरे को पता है यहाँ पे इन्होंने इंडिकेटर दे दिया है, और यहाँ पे अगर बात करते हो तो ये भी आपको फोक लैंप में LED ही मिल जाती है। इस तरीके से पूरी आती है। देखो बोनट छोटा कर दिया इन लोगों ने ना, बोनट आप देखोगे थोड़ा सा छोटा हो गया है। इन्होंने जो गाड़ी का ये वाला स्पेस है ना थोड़ा सा ये बढ़ा दिया है। अभी आप बात करते हो तो यहाँ पे देखिए भाई इस तरीके के नए, तो यहाँ पे सब 4 मीटर में आते हैं भाई, इससे ऊपर ना कोई गाड़ी नहीं बिक पाती है। मतलब ब्रेजा एक ऐसा ब्रांड नेम बन चुका है, मतलब ये गाड़ी आने से पहले इतनी बुकिंग हर डीलरशिप पे हो गई है इसकी। ये लोग ऐसे हाइप वाइप नहीं बनाते कि मतलब आज बुकिंग करवा के भाई फेस्टिव सीजन में आने वाले टाइम में आपको डिलीवरी देंगे। हमने यहाँ से लॉन्च कर दिया है और गाड़ी लेके जा सकते हो, आपके मतलब स्टॉकयार्ड्स भरे पड़े हैं, आप आराम से लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास पैसे आप पे करो और आप लेके जाओ, ऐसा नहीं कि आज आपको गाड़ी दिखा दी है 1 महीने बाद आपकी बुकिंग होगी फिर हेड टू कार्ट होगा, महिंद्रा वाला सीन नहीं है। प्रोडक्शन के पास बहुत ज़्यादा है, मानेसर दुनिया भर के इन्होंने प्लांट लगा रखे हैं, अपना गाड़ी बनाते हैं और बेचते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हो तो चाबी में भाई ज्यादा कुछ बटन्स वगैरह आते ही नहीं है, ये आज भी टिपिकल वही चाबी आ रही है, मेरे से गिर भी गई गलती से, सॉरी। यहाँ पे अगर बात करते हो तो ये डुअल टोन है, तो आपका शीशा जो ORGM रहेगा ये भी ब्लैक रहेगा, ऊपर की छत है वो भी ब्लैक रहेगी। यहाँ पे ए पिलर आप देखोगे तो मैट में, बाकी सब आपको ग्लॉस में मिलता है, ये भी। यहाँ पे बात करते हो तो आपको रिक्वेस्टर मिल जाता है और पूरा रेड कलर है। मतलब ब्रेजा हमेशा से इनकी रेड कलर की थीम रही है। यहाँ पीछे की लाइट्स की बात करते हो तो ये भी पूरी LED आती है। यहाँ पे आपको मिलता है हैलोजन इंडिकेटर, यहाँ पे आपको बैकलाइट मिल रही है और पूरी LED है, स्मार्ट हाइब्रिड की यहाँ पे बैजिंग भी आ रही है, 4 स्पार्किंग सेंसर आपको मिल रहे हैं और यहाँ पे आपको एक कैमरा भी इस गाड़ी के अंदर ही दिया गया है। वाइपर भी है, डिफोगर भी है और यहाँ पे आपको स्पॉइलर भी मिल रहा है वॉशर के साथ, शार्क फिन एंटीना आपको ऊपर की तरफ मिल जाएगा और यहाँ पे रूफ रेल्स भी दी गई हैं। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 4 वेरिएंट इस गाड़ी के अंदर आ रहे हैं, LXi, VXi, ZXi और ये है ZXi प्लस, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, इससे ऊपर कुछ भी नहीं आता। अगर आपको ऑटोमेटिक भी लेना है तो 6-स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क रेमिटर इसके अंदर आ चुका है। पहले AMT बेचते थे लेकिन अब इन्होंने थोड़ा सा बेटर अपना ट्रांसमिशन कर दिया है। यहाँ पे अब आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, मतलब पहले वाला ही है 328 लीटर का आपको मिलेगा। मतलब आप इसमें आराम से अपने बैग्स वगैरह कैरी कर सकते हो। अगर आप स्पेयर टायर की बात करोगे तो आपको स्टील रिम मिलेगा और ये मिलेगा आपको 16 इंचेस का ही, मतलब जितने आपके बड़े अलॉय व्हील्स हैं उतना ही आपको इधर है। मतलब कोच कटिंग यहाँ पे केवल अलॉय व्हील के नाम पे आपको टायर साइज सेम इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। तो पर्सनली भाई साइड से और पीछे से तो गाड़ी लग रही है एक नंबर, मतलब कोई डाउट नहीं है गाड़ी को देखने में। जैसा वेन्यू अभी लेटेस्ट लॉन्च हुई है, सोनेट वगैरह
सबसे बढ़िया देखने में फिलहाल आज की तारीख में यही गाड़ी है। मैं आपको पर्सनली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी सी दिख रही है तो छोटी मोटी नहीं दिख रही, और खुशी होती है यार। मतलब ऐसे मारुति ऐसे बढ़िया काम करे, ऐसे डिजाइन वगैरह अच्छे करे तो मजा सा आता है। प्लस 4 स्टार इस गाड़ी को मिल रखे है, पहली वाली जनरेशन को मारुति भी स्कोर कर लेती है। फिर यहाँ पे फीचर्स के नाम पे भाई देखिए, यहाँ पे आपको 360 कैमरा भी मिल जाता है, आगे भी कैमरा है। मतलब इन लोगों ने आगे भी कैमरा दिया है, यहाँ पे देखिए आगे भी कैमरा है, पीछे भी कैमरा है, साइडों में भी कैमरा है। मतलब 4 कैमरे 360 डिग्री व्यू आपको देने के लिए रहता है ना। टेक्नोलॉजी मामले में मारुति ब्रेजा बढ़ती जा रही है। देखो मारुति की एक और ठीक बात ये कि उधर साइड भी दे रिक्वेस्ट सेंसर, एक रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कीलेस एंट्री वाला फंक्शन बोलते हैं, मतलब इसका मतलब क्या रहता है, चाबी आपकी जेब में पड़ी हुई है, आप इसको दबाओगे तो गाड़ी यहीं से अनलॉक हो जाती है। बाकी गाड़ियों में अगर आप बात करें तो केवल एक ड्राइवर साइड ही देते हैं, जैसे मेनली हुंडई, यहाँ पे आपको यहाँ पे भी मिल रहा है और एक पीछे साइड भी मिल रहा है। चलो अब भाइयों को जरा इंटीरियर में लेकर चलता हूँ। बाहर से गाड़ी बहुत अच्छी है, आपने लाल लाल बहुत देख ली। अब हम यहाँ से बात करते हैं तो आप देखो सीट को भाई हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। टॉप वेरिएंट है लेकिन फिर भी ना आपको यहाँ पे कोई भी लेदर वगैरह की सीट्स नहीं मिलेंगी, फैब्रिक ही आपको टोटली मिल रहा है, क्योंकि डीलर्स को भी तो कुछ ना कुछ बेचना है ना अपना, तो वो सीट कवर्स के नाम पे वो चीज़ भी बेच सकते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हो तो फैब्रिक मिल रहा है आपको, थोड़ा सा ब्राउन फिनिश में आपको मिल रहा है, पूरा फैब्रिक है, कोई लेदर वगैरह नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लास्टिक का 4 पावर विंडो, फोल्डेबल प्लस एडजस्टेबल आपको ऑरियंस मिल रहे हैं, ट्विटर मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल रहे हैं, बोटल होल्डर आपको हमें मिल रहा है, और ये इस तरीके से कर दिया है। मतलब आर पार हो गया, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है। बस बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे तो वही पहली वाली ही है, इसमें मेरे को कोई मेजर डिफरेंस है नजर नहीं आ रहा है। चलो भाई अब गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ जरा। ओ यार अब थोड़ी सी ना, मतलब मारुति ब्रेजा बहुत अच्छी अच्छी सी लग रही है। पता क्या मेन रीजन है इसका, ये जो डिस्प्ले है ना आज के जमाने की लगा दी, पहले लोग 7 इंच से ऊपर नहीं बढ़ते थे, 7 इंच की वो डिस्प्ले बार बार चेंज करते रहते थे। मेन चीज तो भाई ये है हेड्स अप डिस्प्ले, मतलब इस सेगमेंट में किस गाड़ी में आती है भाई, आपको मारुति ब्रेजा में ऑफर हो जाती है। प्लस यहाँ पे लो फ्यूल भी आपको बताएगी, देखो आप देख पा रहे हो ना, लो फ्यूल भी आएगी, प्लस अभी तो गाड़ी में जो ये दिख रहा है ये सब आएगा, यहाँ पे स्पीड भी बताएगा, अब आपको आरपीएम भी बताएगा, मतलब अभी तो किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से बता रहा है, टाइम वगैरह सब कुछ बताता है। यहाँ पे आप देखिए एचयूडी को अगर आपको बंद करना है ना, तो मेरे ख्याल से तो बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यार यही तो मतलब मेन चीज़ है इस गाड़ी के अंदर। एचयूडी अगर आपको बंद करनी है तो ये वाला जो बटन आपको दे रखा है इसको आप दबा के रखते हो तो इस तरीके से आपकी जो एचयूडी है हेडसअप डिस्प्ले जिससे बोलते हैं ये बंद भी आराम से हो जाती है। तो अगर आपको खोलनी है तो इसको आप दबाइए और ये देखिए इस तरीके से डिस्प्ले खुलती है। सबसे पहले ना ये फीचर आया था आपकी क्या सेल्टोस में, मतलब बजट के अंदर अगर आप बात करते हो, मतलब ये देख के अच्छा सा लगता है कि यार अब बजट में इतनी कॉम्पिटिशन आ गया है ना कि टेक्नोलॉजी इनको मतलब फीचर्स देने की मजबूरी आ गई है। क्योंकि सेगमेंट में बात करते हो बोस के स्पीकर कोई दे रहा है, कोई 10 इंच की स्क्रीन दे रहा है, तो यहाँ पे ब्रेजा ने भी मतलब बहुत अच्छे सुधार करे हैं, बहुत यूनिक यूनिक फीचर्स गाड़ी में डाल दिए हैं। यहाँ से व्यू का अगर आप बटन दबाओगे ना तो यहाँ पे देखिए अब आपको इस गाड़ी के अंदर 360 डिग्री कैमरा मिलता है, चारों तरफ का दिखाएगा कि भाई गाड़ी जहाँ पे आपकी खड़ी हुई है उसके आसपास क्या खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे चेसी और बना देते तो क्या लुक निकल गया थी, चारों टायर आपको दिखेंगे और यहाँ से आप घुमा भी सकते हो इसको अगर आपको ये सब करना है। तो ये देखिए भाई चेक सराउंडिंग्स फॉर सेफ्टी, तो अगर कोई सीख भी रहा है फिर अगर सेफ्टी वाइज बात करते हैं तो मतलब प्रैक्टिकल में यूज़ आ सकता है ये वाला फीचर। हालांकि मेरे को तो इतना कोई प्रैक्टिकल लगता नहीं, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते टाइम ये सब चीज़ें ऐसे बस फीचर दिखाने के लिए होती हैं, बाकी यूज़ करने के लिए तो भाई आपका बस रिवर्स का पार्किंग कैमरा और सेंसर चाहिए होते हैं आपको। बाकी खैर भाई ये ऑटो ऑन ऑफ का फंक्शन हो गया, यहाँ से आप इल्यूमिनेशन ओवरऑल कंट्रोल कर सकते हो अपने, इसकी स्टार्ट स्टॉप बटन हो गया। प्लस इसके अंदर आप देखोगे तो स्मार्ट हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी आ रही है, यहाँ पे आपको इंजन मोटर वगैरह सब मिलता है। बस अगर आपको इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है ना तो आप इस वाले बटन को दबाइए, यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह सब कुछ बताता है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और ये सब आपको यहाँ पे ड्राइविंग टाइम आइडल स्टार्ट स्टॉप वॉच वगैरह फ्रंट मोशन टॉर्क पावर सब कुछ बताता है। और ये भाई बहुत सही लग रही है यार देखने में से मीटर इसका ना, और यहाँ पे देखिए ये वाली जो चीज़ आपको मिल रही है ना ये थोड़ी ब्राउन फिनिश में मिल रही है। और अगर आप बात करते हो इनकी तो ये भी VXI वेरिएंट से आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये भी देखने में काफ़ी मतलब ऐसे फील करने में थोड़े प्रीमियम से लगते हैं। यहाँ पे इनको आप इस तरीके से याद से कर सकते हो फैन स्पीड को कंट्रोल, यहाँ से आप अपना टेम्परेचर भी आप एडजस्ट कर सकते हो। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल रहा है, यहाँ पे USB पोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो भाई गियर नॉब पे देखो पन्नी लगा के दे रहे हैं मारुति वाले। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल रहा है, 6 स्पीड आपको मिलेगा अगर आप ऑटोमेटिक टॉक कन्वर्टर इसका लेते हो। मैं आपको सारे वेरिएंट इसके एक एक करके दिखाने वाला हूँ। आज टॉप वेरिएंट की बात करते हैं, मेन चीज़ आप कैसे भूल सकते हो भाई, ये मारुति सुजुकी है, कोई भरोसा करेगा क्या कि मारुति सुजुकी, ये मारुति की पहली गाड़ी है जिसके अंदर आपको ये इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल रही है। यस भाई आपने सही सुना, मेरे को तो ऐसा फील करने में भी ऐसा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, मेरे को भरोसा नहीं हो रहा कि ये मारुति की गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। ये लोग ऐसे इनका भरोसा रहता है कि हम सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते क्योंकि उससे मतलब इससे थोड़ी सेफ्टी पे इशू आता है। तो यार मारुति सेफ्टी के बारे में कितना सोचती है, बहुत अच्छा सा लगता है देख के भाई। यहाँ पे आप अपना सनग्लास वगैरह रख सकते हैं, यहाँ पे हेलोजन लाइट आपको मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब सनग्लास होल्डर यार मारुति में, मेरे को लग रहा है इन्होंने यूनिटी थोड़ा सा अलग से लिया है। यहाँ पे आपको एक जरूर से मिल जाता है। मतलब मारुति की बेस्ट चीज़ क्या है ना कि यार ये इलेक्ट्रोक्रोमिक देते हैं यार,
XUV 700 महिंद्रा से अगर कोई देख रहा है और स्कॉर्पियो वालों, यार थोड़ा शर्मा हो यार, मतलब यार ब्रेजा में भी इलेक्ट्रोक्रोमिक आ रहा है ऑटोमेटिक वाला और आप लोग क्या दे रहे हो मैनुअल करने वाला इतनी हाई टेक कार में भी। अब सनरूफ की मेन बात कर ही रहे हैं तो भाई ये और दिखा देते हैं कि सनरूफ से क्या एक इंसान, क्या एक आदमी निकल सकता है। हालांकि निकलना तो नहीं चाहिए चलती गाड़ी में तो बिल्कुल भी, हाँ खड़ी में तो आप कर सकते हो, तो वो चीज़ देख लेते हैं और एक आम आदमी का रिव्यू ले लेते हैं भाई इसके रिलेटेड। कैसी लगी भाई ये? बस ये नाम की सनरूफ है, हैं? हाँ। पीछे साइड रही है, हाँ वही है बस, मतलब ऐसे फीचर डालने के लिए दोनों साइड से रही है। हाँ कि पहली बार मारुति ने ऐसा कुछ किया है तो मतलब ऐसा देखने में अच्छा लग रहा है भाई। अभी और करके दिखाएंगे इसको अभी मेरे ख्याल से, अरे हो सकती है यार, ठीक है अब ठीक लग रहा है ना, अब ठीक है। हाँ मारुति रियली गुड वर्क, सनरूफ के मामले में लोगों को पसंद आया और ये काम केवल आप तब करें जब आप खड़ी गाड़ी आपको फोटो वोटो खिंचवाने। प्लस यहाँ पे अगर आप बात करते हो तो कितना बड़ा ग्लव बॉक्स आपको मिल रहा है, प्लस यहाँ पे आप मतलब इसमें अगर आप कुछ रखते हो तो आपका ठंडा ही रहता है, तो ये सब चीजें मारुति ने सोची हैं। आपको टॉप वेरिएंट भाई फिर 14,32,000 रुपए भी आप इसके लिए खर्च कर रहे हो ना, मतलब मेन चीज पता क्या है इनका इंजन भाई। देखो ये मैनुअल वाली है तो मैं यहाँ से दूंगा, देखो रेव कर रहा हूँ तो इनका जो इंजन है ना वो बहुत रिफाइंड होता है, बहुत स्मूथ रहता है, मतलब जो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी रहती है ना आपको पता भी नहीं चलता यार इसको कैसे भूल गया मैं 10 इंच कितनी प्यारी सी यूनिट को, मतलब प्यारी से ऐसे देखने में पियानो ब्लैक तो अच्छा लग रहा है इसका एकदम से, लेकिन लगती अच्छी टॉप मॉडल में ही है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप बेसमेंट की बात करते हो तो यहाँ पे वो वाला पार्ट मैट में आता है, वो अच्छा नहीं लगता यार पर्सनली देखने में ना। ये वाला तो फिर भी ठीक है, वाईफाई ऑटो और ये जिन्होंने नया जो निकाला इसमें एवरेज वगैरह आपको बता रहा है, पूरा ड्राइविंग डेटा टाइम वाइम सारा कुछ बता रहा है, एनर्जी फ्लो जो आपका हो रहा है वो सब भी बताएगा, तो काफी फीचर्स दे रखे हैं इसमें, टाइम वाइम सब कुछ बताता है आपको, गाड़ी एक नंबर यहाँ पे इंटीरियर से लग रही है, प्लस आर्मरेस्ट भी लोगों ने दे दिया है, इसको आप स्लाइड भी कर सकते हो। वाह यार मारुति मजा कर दिया यार, लेकिन है छोटा सा वही पहले की तरह जैसे बलेनो बलेनो में करता था, लेकिन यहाँ पे लेदर लगाया है और कहीं भी लेदर आपको नहीं मिल रहा, इवन यहाँ पे भी फैब्रिक आपको मिलता है बाकी यहाँ पे भी पूरा पूरा प्लास्टिक है और सिल्वर फिनिश दे रखे, यहाँ पे भी दे देते थोड़ा बहुत तो मजा सा आ जाता। अभी मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, देखो स्पेस मेन कंसर्न रहता है इस सेगमेंट की आप बात करते हो ना, तो जैसे हमने गाड़ियाँ देख रखी है वेन्यू सोनर जैसी XUV 300 की बात करते हो तो उसमें बूट स्पेस ही नहीं है, इसमें ओवरऑल आपको सब कुछ सही मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं पीछे साइड चलूंगा, ये जैपनीज है भाई बहुत स्पेस रहता है इनके पास, ये देखिए अभी मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करी थी, पर ठीक है यार ऐसे ओके ओके है। इस सेगमेंट से आप मतलब इतनी बड़ी गाड़ी से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि आप एकदम फैल के जाओ वाली चीज़ नहीं, लेकिन आपको सफिशियंट मिल जाएगा, प्लस आपको बेस वेरिएंट से या बेसी वेंट्स मिल जाते हैं। नीचे तरफ आप बात करते हो तो अब आपको टाइप सी, एक टाइप सी ये है दिमाग वाला काम, मैं सही बता रहा हूँ, मतलब कंपनियाँ क्या दोनों ही टाइप सी देती है हुंडई वेन्यू की तरह, अरे किसी पर टाइप सी का चार्जर नहीं है तो उसके लिए तो मजबूरी बन गई, यहाँ पे एक टाइप सी दिया है और एक टाइप ए दिया है भाई। जापान वालों में स्पेस के साथ साथ दिमाग भी बहुत होता है, ये चीज़ आज यहाँ पे प्रूव हो गई। यहाँ पे देखिए इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो आराम से, और यहाँ पे आपको पास अल्टर भी मिल रही है, 360 डिग्री कैमरा भी मिल रहा है, प्लस यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ भी मिल रहा है और क्या बच्चे की जान। तो यहाँ मैं आपको इसका इंजन की जो तारीफ कर रहा हूँ इंजन दिखा तो देता हूँ भाई, यहाँ से हम अनलॉक करेंगे वही 1.5 लीटर का इसके अंदर पेट्रोल इंजन आता है, आपको 103 बीएस भी निकाल के देता है ये भाई, न्यू K15C आपका पेट्रोल इंजन 137 Nm का टॉर्क निकाल के देता है भाई, 103 bhp, मतलब माइलेज वगैरह ठीक रहते हैं भाई इस इंजन की ना, कोई शिकायत ज़्यादा लोगों को रहती नहीं है, मतलब आराम से अपना 15-16 दे देता है ये, अगर आप सिटी वगैरह की बात करते हो, लाइट फुट चलाते हो तो 20-21 की भी लोग इसके निकाल लेते हैं, प्लस आप इसमें स्मार्ट हाइब्रिड वाली टेक्नोलॉजी है तो आप और बेटर इससे माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्लस यहाँ पे इंसुलेशन वगैरह दी गई है, मतलब मारुति ना मतलब यहाँ पे इनको पता है कि हमारा खूब बढ़िया साइलेंट इंजन है, लेकिन फिर भी भाई केबिन को साइलेंट बनाने के लिए यहाँ पे इंसुलेशन इस गाड़ी के अंदर प्रॉपर दे रखी है। तो ये डुअल टोन कलर में भाई आपको 14,30,000 रुपए के लगभग पड़ते हैं। तो भाई अब बताओ मतलब कैसा लगा आपको ये वेरिएंट, मतलब 14,00,000 रुपए उसके लिए स्पेंड करना पसंद करोगे या फिर आपका मतलब ऐसे कि यार आई विल गो फॉर समथिंग एल्स। मेरे ख्याल से तो साइड से और पीछे से सही है लुक, और यहाँ पे अगर फीचर्स की बात करते हो तो अब ये थोड़ी लेने लायक बन गई है, पहले वाली पे तो 13-14 लाख रुपए खर्च करना ऐसे मतलब ऐसा इतना अच्छा सा ऑप्शन नहीं लगता था, और यहाँ पे कैमरे भी आ गए हैं, फिर आपको मतलब वो भी मिल रही है HUD वगैरह। ये भाई न्यू मारुति ब्रेजा न्यू रेड कलर में, जिसका डिजाइन सामने से मेरे को डिसलाइक वाला लग रहा है, पीछे से मैं खुश हूँ लेकिन आगे से इतना मेरे को सेटिस्फाइंग सा लगा नहीं। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।